सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द रोडियो ड्राइव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जी हां, मैं एक और नए लोकेशन में पहुंचा हुआ हूं आफ्टर हुंडरू फॉल्स। और आपको हुंडरू फॉल्स वाला व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा आया है और लाइक्स भी ढेर सारे मिले हैं इस बार। बस कमेंट थोड़ा कम था लेकिन फिर भी ठीक था, चलेगा। और जी हाँ, मैं एक नए ऑफ बीट लोकेशन में हूँ रांची के, और ये है तिरला पहाड़, ठीक है। और अभी आपने वीडियो में थोड़ी देर जाके आगे देखोगे, हमने थार रॉक्स का भी टेस्ट ड्राइव लिया है, तो वो सब तो ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा तिरला पहाड़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तिरला पहाड़ जो है ना बॉस, वो रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मांझी ब्लॉक में, ठीक है। और काफ़ी छोटा सा विलेज है यहाँ पे, ओनली 325 का पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ओनली 60 हाउसेज हैं, तो काफ़ी छोटा सा विलेज है। तो चलिए आगे, फिर आपको तिरला पहाड़ दिखाते हैं। और साथ में यहाँ पे एक फेमस ट्राइबल रेस्टोरेंट भी है, सुनते वहाँ का खाना बहुत फेमस है, ट्राइबल ढाबा भी टच करेंगे। और वहाँ पे सुनते ड्रोन से व्यू काफ़ी अच्छा आता है, व्यू बहुत अच्छा है, तो ड्रोन उड़ा के देखेंगे कैसा व्यू आता है, ठीक है। आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। सो गाइज, अभी दिन का 12:45 PM हो रहा है और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम दिखा रहा है ट्राइबल ढाबा के लिए 158, तो 32 किलोमीटर्स का जर्नी है और 1 घंटा 13 मिनट लगने वाला है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लब रोड में हैं, आप देख सकते हो ये लोकेशन, मोती महल यहाँ पे है, ठीक है। मोती महल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहीं क्लब रोड में हैं। अब मैं यहाँ से निकलूंगा काटाटोली होके टूवर्ड्स ट्राइबल ढाबा, तो चलो आगे चलते हैं और आपसे मिलते हैं ट्राइबल ढाबा के रास्ते। सो गाइज, आप मेरे आगे देख रहे हो ना, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये आपको दिख रहा होगा काटाटोली फ्लाईओवर। तो मैंने बोला था ना कि ये अक्टूबर एंड तक तैयार होगा, तो नहीं बॉस, ये अक्टूबर एंड से पहले ही तैयार हो गया। और आज है 4th of October और इसका इनॉग्रेशन है, तो अपने CM आने वाले हैं इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो ये भीड़ लगी हुई है लोगों की, ठीक है। तो अभी वो आने वाले हैं और इसका इनॉग्रेशन होगा। जैसे इनॉग्रेशन होगा तो लोग इस रूट को यूज़ करने लगेंगे, काटाटोली फ्लाईओवर को। तो मैं भी जब लौटूंगा तो उम्मीद करता हूँ अगर मैं सही टाइम पर लौट गया तिरला ढाबा से, तो मैं आपको ये काटाटोली फ्लाईओवर भी कवर करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो सारी बोर्डिंग्स भी लगी हुई है, इसलिए आप देख रहे हो ना, आप मेरे पीछे देख रहे हो ना। जी हाँ बॉस, मेरे पीछे जस्ट देखो थार रॉक्स खड़ी है और हम इसका टेस्ट ड्राइव करने के लिए आए हैं। टेस्ट ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपको बताता हूँ। सो बॉस, मैं थार रॉक्स के अंदर बैठा हुआ हूँ। आप थार रॉक्स को देख सकते हो अंदर से, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस केबिन है और ये AX5 मॉडल है। तो छोटा सा सनरूफ दे रखा है, जो आपका पैनोरामिक सनरूफ है, जैसे अपने स्काई रूफ दे रखा है 700 में, वो आपका 17 सीरीज से शुरू होता है। तो मुझे तो गाड़ी काफ़ी पसंद है, काफ़ी ऊंची गाड़ी है और काफ़ी अच्छा है, रगड़ फील हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि इनसे पूछा कि मैं 700 को हटा के और थार रॉक्स ले लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये वाइज डिसीजन नहीं रहेगा, अगर 700 है आपके पास तो थार रॉक्स लेने का सेंस नहीं बनता, आप अलग से ले सकते हो बट रिप्लेस करके लेना इज़ नॉट सेंसेबल डिसीजन। तो अभी तो भाई टेस्ट ड्राइव करेंगे पहले इसका, बहुत मन कर रहा है। बस बॉस, ये गाड़ी खड़ी है, थार रॉक्स डेमो कार है, तो हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे इसी गाड़ी से। तो अपन निकल रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, तो टेस्ट ड्राइव करते हैं। सो भाई लोगों, मैंने अभी टेस्ट ड्राइव लेना शुरू किया है थार रॉक्स का और बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी रगड फील हो रहा है। अभी ऑफ रोड भी लेके गया था मैं, तो काफ़ी मज़ा आया। और अभी फ़िलहाल मैं NH 33 पे हूँ, हाईवे पे हूँ, हाईवे पे भी चला के देख रहा हूँ भाई, पकड़ अच्छी है इसकी रोड पर। मैं 700 से कंपेयर नहीं करूँगा इसको, लेकिन हाँ, ये गाड़ी वाकिफ में जिसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है तो थार रॉक्स ले सकता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि थार रॉक्स आज ना कल जरूर लूँ। और हैंडलिंग बहुत अच्छा है, पुरानी थार की तरह नहीं है, बिल्कुल पकड़ के चल रही है, ये नहीं कि बॉडी रोल है ज़्यादा। हो सकता है इसकी लंबाई बढ़ा दी गई हो, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी हाइट तो इतनी है बॉस कि मुझे लगता है स्कॉर्पियो, जो आप मेरे आगे देख रहे हो स्कॉर्पियो, आप आगे जा रहा है, स्कॉर्पियो पुराना है, क्लासिक है, इससे भी इसका हाइट ज़्यादा है, सिटिंग हाइट। इवन फॉर्च्यूनर से मैं बगल से गया तो फॉर्च्यूनर की भी सिटिंग जो हाइट थी इससे नीचे थी। तो गाड़ी काफ़ी ऊंची है ये, मुझे 700 से तो काफ़ी ऊंचा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हुआ हूँ मैं, बिल्कुल बॉस वाली फील आ रही है। मल्टी लिंक है 700 आगे से निकल जाएगा रास्ता। बॉस हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है और गाड़ी में कुछ भी फील नहीं हो रहा है। हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ झटका लग रहा हो या कुछ लग रहा हो, बहुत कंफर्टेबल राइड है, मज़ा आ गया।
मजा आ गया। सो बॉस हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ले लिया और बहुत मजा आया यार, बहुत जबरदस्त गाड़ी है थार रॉक्स, मेरा तो मन कर गया लेने का। और फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं टिरल पहाड़ की तरफ, है ना, फिर वही मिलते हैं। ये आप ओरमांझी चौक देख रहे हो, ओरमांझी चौक से हमें लेफ्ट होना होता है फॉर टिरल पहाड़। आप ऐसे बोरिया होके भी आ सकते थे जो रांची से बोरिया जानते हैं, बट हम चूंकि टाइटेनियम महिंद्रा में आए थे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए थार रॉक्स की, तो हम लोगों ने ओरमांझी चौक से लेफ्ट लिया। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने थार रॉक्स का टेस्ट ड्राइव ले लिया और काफी मजा आया। और आप देख रहे हैं मेरे बगल वाले सीट में रौनक भी बैठा है। तो जी हाँ बॉस, रौनक बैंगलोर से आया है दो दिन पहले और इसका भी मन था थार रॉक्स का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, तो हम लोग तो गए थार रॉक्स का टेस्ट ड्राइव लिया। कैसा लगा तुमको टेस्ट ड्राइव रौनक? गाड़ी तो मतलब क्या बताओ, 700 चला रहा था इतने दिन से, बट पहली बार कोई गाड़ी चलाया 700 के बाद, जो मजा आया मतलब चलाने में, वेरी रियली फन टू ड्राइव। और गड्ढे तो मतलब ऐसा लगता है कि उसके लिए होम ग्राउंड, ऑफ रोडिंग में तो पता ही नहीं चला। बहुत जबरदस्त गाड़ी है, बहुत रगेड गाड़ी है, मैंने पहले भी कहा था। और गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं तो तिरला पहाड़ जा रहे हैं, आपको बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी। तो तिरला पहाड़ यहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है और मांझी चौक से, और वहाँ पे सुनते हैं काफ़ी फेमस एक ट्राइबल ढाबा भी है, तो हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है। और व्यू भी सुनते हैं काफ़ी अच्छा आता है वहाँ ढाबा से, तो वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो आप बने रहे वीडियो में और आगे आपको दिखाते हैं तिरला पहाड़ के लिए जाने का रास्ता। सो गाइस आप आगे देख रहे हो ना, ये कुच्चू दिखा रहा है और आगे कचहरी दिखा रहा है, और हम लोग यहाँ से ना तो गाइज यहाँ से तिरला पहाड़ जो है ना 7.9 किलोमीटर है, आई मीन कि वहाँ पे तिरला रेस्टोरेंट भी है, तिरला ढाबा करके, वो 7.9 ही दिखा रहा है। तो हम लोगों ने नेविगेशन में तिरला पहाड़ कर रखा है, 7.9 किलोमीटर है, तो हम लोग अभी आगे हैं, इसी रोड में हमें आगे सीधे जाना है। सो गाइज हम लोग गाँव के रास्ते में हो चुके हैं और ऑफ रोड पैचेस भी आप देख रहे हो, और साथ में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, आप आगे देखो आपको तिरला पहाड़ भी दिख रहा होगा, तो शायद यही तिरला पहाड़ है, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और ये रास्ता है टुवर्ड्स आपका जो ट्राइबल रेस्टोरेंट है, ट्राइबल ढाबा है, वहां जाने का। रोड तो बस सही नहीं है क्योंकि विलेज का रोड है तो खराब ही रहेगा, ऑफ रोड है थोड़ा। और ये मेरे बगल में आप देख रहे हो, ये बरगद का पेड़ देख रहे हो कितना हॉन्टेड लग रहा है ना, काफी बड़ा सा है और ऊंचा सा है, काफी घना है, इसके प्रॉप रूट्स नीचे तक लटक रहे हैं। बस पूरा ऑफ रोड ही है, पूरा ऑफ रोड है, आप देख रहे हो। बारिश भी खूब हुई है ना रांची में, इस कारण से भी रोड कट गया होगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना आगे का व्यू, क्या बेहतरीन नजारा है ना, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग कहेंगे बॉस इसको। तो ये है बॉस तिरला पहाड़, आप आगे देखो, इसे कहते हैं तिरला पहाड़। और रियली में अभी सनसेट होने वाला है, तो क्या खूबसूरत लग रहा है ना, बेहतरीन यार बेहतरीन, ये देखो। और वो आगे आप जो देख रहे हो ना, डेट इज कॉल्ड ट्राइबल ढाबा, हम लोग वहीं जाएंगे अभी। पुरानी हवेली की तरह है बॉस, आप देखो क्या दरवाजा खोला है इसने, और हम फिर अंदर जाएंगे। भाई साहब माहौल तो खतरनाक है, ये देखो माहौल तो खतरनाक है बॉस, माहौल तो खतरनाक है बॉस। हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये ट्राइबल ढाबा है, यहीं पे रुके हुए हैं और बहुत मस्त माहौल हो रखा है बॉस, और भूख बहुत तेज़ी से लग रही है, तो आप खुद से चॉइस कर सकते हो देसी मुर्गा खाना है आपको, तो मुझे देसी मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे और रौनक को, तो हम चॉइस कर रहे हैं और चॉइस करके फिर उसे चूज़ करके फिर उसे खाएंगे। हाँ
कौन सा पसंद है रोनक तुमको आया? काला वाला दिख रहा है अंदर में, काला वाला। रोनक तुमको कौन सा पसंद आया? काली वाली, काला वाला एक मुर्गा है, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा कौन सा दिखाओ? बास्केट दौड़ से वो ये वो। अंदर चल के देखते हैं तो पता चलेगा। अंदर चल के देखते हैं फिर पता चलेगा। आ जाओ मुर्गा पकड़ना बॉस। ये तो मुर्गी है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। वो जो ब्लैक है ना मुर्गी, ये वाला। हाँ हाँ, इसको बनाइए भैया, बढ़िया एकदम झारखंडी स्टाइल में देसी मुर्गा बना चाहिए, है ना। हम लोग रांची से हैं, आपका बहुत नाम सुने हैं इसलिए आए यहाँ पे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? खुश कुमार बेदिया। आपको यही गाँव हुआ? हाँ। अच्छा तो ये कब खुला था आपका ट्राइबल ढाबा? बहुत पहले खुला था लेकिन फेमस नहीं हुआ था। फेमस नहीं हुआ था? आजकल तो बहुत फेमस, आजकल बहुत फेमस हो गया। लोकेशन बहुत अच्छा है ना? हाँ, तो फेमस है। हाँ, आप जब यहाँ पे आते हो ट्राइबल ढाबा पे तो आप यहाँ पे रेट चार्ट देख सकते हो। तो आपको जैसे चावल रोटी 15 रुपये पर पीस है, मुड़वा रोटी 20 रुपये पर पीस है, और जो हमने चिकन लिया तो उसको आपने यहाँ पे वेट कराना होता है। वेट के हिसाब से आपको प्राइजेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, और चार्जेस के बाद फिर वो बनने जाता है, ठीक है। बिल्कुल देसी खाना, शुद्ध खाना है ना बॉस? बॉस बहुत तगड़ा लोकेशन है, बिल्कुल ऑफ बिट लोकेशन है। इतनी शांति है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। और बॉस अब मैं यहाँ से ड्रोन उड़ाता हूँ और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप।
तो ड्रोन व्यू कैसा लगा बॉस आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगता है बॉस ड्रोन शॉट्स लेने में, इतना स्किल तो नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छा व्यू आपको दिखा सकूँ अपने वीडियो के थ्रू। और अभी हमने थोड़ा सा सलाद मंगाया हुआ है खाने के लिए और देसी मुर्गा अपना बन रहा है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल गांव का सब कुछ है यहाँ पे, इनकी खुद की फार्मिंग है तो बिल्कुल फ्रेश है, बड़ा मज़ा आ रहा है। भाई साहब देसी मुर्गा अपना बन के तैयार हो चुका है और क्या मस्त टेस्टी लग रहा है ना, देखें ख़तरनाक लग रहा है बॉस। तो खाते हैं बॉस, बहुत टेस्टी लग रहा है यार, कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मैं आपको अब आगे वीडियो में बना के नहीं दिखाऊंगा कि मैं खा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो वेजिटेरियंस भी हैं तो उनको बुरा लग सकता है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है ना बॉस। सी यू।